What is the arthritis? Arthritis is inflammations on one or more joints with pain called arthritis. Arthritis यानी कि एक या एक से अधिक जोड़ों में सूजन के साथ तेज दर्द को हम arthritis कहते हैं. Arthritis के कारण क्या है? What is the causes of arthritis? अर्थराइटिस के कारण में सबसे पहला है मोटापा. अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आपको अर्थराइटिस हो सकती है. ओबेसिटी अगर बहुत ज़्यादा है आपके शरीर, जैसे कि 99 व 100 केजीज के वजन हैं आपको, तो आपके जॉइंट्स पे इन्फ्लामेशन और पेन हो सकता है. इट मींस यू सफर्ड विथ अर्थराइटिस इफ यू योर वेट इज ओवर और मोर देन 100 kg. और दूसरा है वीक इम्यून सिस्टम. अगर आपका इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक है, कमजोर है, तब क्या करेगी आपकी शरीर? बैक्टीरिया, वायरस और इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाएगी. तो वह एक कारण बनता है आपके अर्थराइटिस का. ठीक है फ्रेंड्स. और खराब खान पान की आप फैटी फूड्स खा रहे हो या जंक फूड्स ज़्यादा ले रहे हो, विटामिन्स मिनरल्स या कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स ऐसे फूड्स अगर नहीं ले रहे हो या सेवन नहीं कर रहे हो तो भी आपको अर्थराइटिस हो सकती है फ्रेंड्स. बढ़ती हुई उम्र यानी कि अगर आपकी उम्र 40 है, 40 से ज़्यादा है, वीक इम्यून सिस्टम की वजह से अगर वीक इम्यून सिस्टम है और 40 के बाद अगर जा रहे हो तो आपको अर्थराइटिस की समस्या हो सकती है. जेनेटिक शिकायत भी हो सकती है यानी कि अगर आपके मम्मी पापा को अगर अर्थराइटिस पहले था तो आपको भी अर्थराइटिस की शिकायत हो सकती है फ्रेंड्स. ठीक है. जोड़ों में ऐठन का एहसास होगा. चोट लगने की वजह से भी अर्थराइटिस आपको बन सकती है. वियर एंड टीयर जो एक प्रॉब्लम होती है शरीर में, जिसे हम कहते हैं अत्यधिक वजन यानी कि हैवी लोड कैरी करना, हैवी लोड उठाना या तो बहुत मेहनत करना, जिसके वजह से हमारे जॉइंट्स पे असर पड़ता है, तो उसमें सूजन और दर्द यानी कि अर्थराइटिस आपको हो सकती है. ठीक है. बार बार जॉइंट्स में दर्द की शिकायत रहना. अगर आपके जॉइंट्स में बार बार पेन है, सूजन है, तो उसके कारण भी आपको अर्थराइटिस की कारण या समस्या बन सकती है फ्रेंड्स. ठीक है. और अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में हम क्या लेंगे? इटॉक्सिब 90 mg टैबलेट आता है. सिंगल एक टैबलेट आपको यूज करना है BD आफ्टर मील. यानी कि इटॉक्सिब 90 mg फॉर्मूला होता है. इसका इस्तेमाल हम दिन में 2 बार भोजन के बाद यानी कि BD PC आफ्टर मील आपको इसे यूज करना है. इसके इस्तेमाल से हम अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स. और भी बहुत से आपके आइडियाज़ हैं अर्थराइटिस को कम करने की, जिसमें से पहली है कुछ एक्सरसाइज आपको करनी होगी जिससे आपकी अर्थराइटिस कम की जा सकती है. जैसे नी की एक्सरसाइज है, आपको नी के मूवमेंट देने होंगे बेड पे या सो के, आपको आपके पैर उठा के नी के मूवमेंट देने होंगे, जॉइंट्स के मूवमेंट देने होंगे. तो कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं, आपको अपना वेट लॉस करना होगा, वजन कम करना होगा, हैवी वर्क्स नहीं करने होंगे, भारी वजन नहीं उठाना होगा. तो इससे क्या होगा, जो आप मेडिकेशंस लेंगे वो अच्छी तरीके से काम करेगा फ्रेंड.